गुजरात बिहार समेत 7 राज्यों में अगले 3 दिनों तक भारी बारिश हो सकती है। इसको लेकर भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है और भविष्यवाणी की है कि अगले 12 घंटों में चक्रवाती तूफान शाहीन के मजबूत होने के आसार हैं। इससे पहले 26 सितंबर को आंध्र प्रदेश और ओडिशा के क्षेत्र में चक्रवाती तूफान गुलाब ने तबाही मचाई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई थी। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, मौसम विभाग के बुलेटिन के अनुसार, गहरा दबाव अब चक्रवात शाहीन में बदल गया है, जो भारत के अलावा पाकिस्तान और ईरान के पास स्थित है। चक्रवाती तूफान का असर बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और गुजरात में देखने को मिल सकता है और इन राज्यों में आने वाले अगले 3 दिनों तक भारी बारिश होने की संभावना है। भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान शाहीन के आज देर रात तक या कल सुबह तक खतरनाक रूप लेने की आशंका है। इस वजह से कक्ष और सौराष्ट्र में तेज बारिश हो सकती है। IMD के मुताबिक अरब सागर में प्रवेश करने के बाद अगले कुछ घंटों में चक्रवाती तूफान शाहीन के पाकिस्तान की ओर बढ़ने की संभावना है। IMD ने बताया, चक्रवाती तूफान शाहीन के तेज होने के बाद 90 से लेकर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की संभावना है। इसके अरब सागर में भारत के तटों से पाकिस्तान में मकरन के तटों की तरफ बढ़ने की ज्यादा आशंका है। चक्रवाती तूफान शाहीन का असर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली पर नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके बावजूद अगले 3 दिनों के दौरान आसमान में बादल छाए रहने और हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने की संभावना है। IMD के एक अधिकारी ने कहा है कि दिल्ली में शुक्रवार को हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के साथ आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार मानसून की वापसी में देरी के कारण अक्टूबर के पहले सप्ताह में हल्की बारिश का पूर्वानुमान है।